टाइम्स नाउ नवभारत में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ वैभव भोला। तो टेस्ट डेब्यू पर श्रेयस अय्यर ने जिस शतक का इंतजार था उसे आज कंप्लीट किया और श्रेयस अय्यर ने अपने पहले ही टेस्ट में जड़ दिया है धमाकेदार और शतक। अगर वैसे हम बात करें कि जब इस टेस्ट मैच की बात हो रही थी इससे पहले तक श्रेयस अय्यर इस टीम का हिस्सा भी नहीं थे, जब तक केएल राहुल इंजर्ड नहीं हुए थे तब तक इंडियन टीम मैनेजमेंट का ये प्लान था कि शुभमन गिल को मिडल ऑर्डर में खिलाया जाएगा, केएल राहुल मयंक अग्रवाल ओपनिंग करेंगे, लेकिन केएल राहुल इंजर्ड हुए जिसके बाद शुभमन गिल ने ओपनिंग की और श्रेयस अय्यर आए नंबर 5 पर खेलने के लिए। जो अजिंक्य रहाणे का नंबर होता है टेस्ट क्रिकेट में वो अजिंक्य आए विराट कोहली के नंबर पर 4 पर खेलने के लिए। तो श्रेयस अय्यर आए नंबर 5 पर खेलने के लिए और 5 पर खेलकर श्रेयस अय्यर ने दमदार पारी खेली है और जड़ा है अपने पहले ही टेस्ट की पहली ही पारी में अपना शतक। श्रेयस अय्यर की अगर मैं बात करूं 171 गेंदों पर श्रेयस ने 105 रन बनाए जिसमें 2 छक्के और 13 चौके शामिल हुए। देखिए श्रेयस अय्यर की ये पारी अपने आप में बहुत ज़्यादा स्पेशल है। अगर मैं थोड़ी से आंकड़ों की बात करूं कि कौन कौन से वो खिलाड़ी हैं, कितने भारतीय खिलाड़ी हैं जिन्होंने डेब्यू पर शतक बनाया है टेस्ट मैच में, इससे पहले 16 खिलाड़ी ये कारनामा कर चुके हैं जिसमें सौरव गांगुली आते हैं, रोहित शर्मा आते हैं, वीरेंद्र सहवाग आते हैं, शिखर धवन आते हैं, सुरेश रैना आते हैं, लिस्ट काफ़ी ज़्यादा लंबी है। और थर्ड इंडियन ऑन डेब्यू वर्सेज न्यूजीलैंड और तीसरे वो भारतीय जिन्होंने न्यूजीलैंड के खिलाफ डेब्यू पर अपना शतक कंप्लीट किया है। थर्ड ओल्डेस्ट यानी कि उम्र की बात करें तो थर्ड ओल्डेस्ट खिलाड़ी हैं भारत के जिन्होंने अपने डेब्यू पर शतक बनाया है। जॉइंट फोर्थ फास्टेस्ट यानी कि अगर गेंदों के हिसाब से हम बात करें कि कितनी गेंदें ली शतक बनाने के लिए, तो उसमें श्रेयस अय्यर जॉइंट फोर्थ फास्टेस्ट खिलाड़ी बन चुके हैं। और साथ ही एक चीज़ और गौर करने वाली कि जो पिछले 3 भारतीय रहे जिन्होंने डेब्यू पर शतक बनाया है वो तीनों ही खिलाड़ी आते हैं मुंबई से। इससे पहले अगर मैं बात करूं रोहित शर्मा ने जो शतक बनाया था या वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ अपने डेब्यू पर, वो मुंबई से आते हैं। रोहित के बाद डेब्यू पर शतक बनाने का कारनामा हिंदुस्तान की तरफ से किया पृथ्वी शॉ ने, वो भी मुंबई से आते हैं। और अब श्रेयस अय्यर ने पृथ्वी शॉ के बाद ये कारनामा किया है। तो यानी कि श्रेयस अय्यर ने शतक बना दिया और इस शतक बनाने के बाद इंडियन टीम मैनेजमेंट की जो परेशानियाँ हैं वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएंगी, क्योंकि जब एक खिलाड़ी ने अब शतक बना दिया है तो अगले टेस्ट मैच में वो खिलाड़ी ज़रूर इस टीम का हिस्सा होगा, वो टीम में ज़रूर खेलेगा, आप श्रेयस को बाहर नहीं करेंगे। तो श्रेयस को बाहर नहीं करेंगे तो वो कौन खिलाड़ी होगा जिसको आप बाहर करेंगे, क्योंकि अगले मैच के लिए कप्तान विराट कोहली की टीम इंडिया में वापसी होगी जो होना तय है पूरी तरीके से। विराट कोहली ने प्रैक्टिस करना भी स्टार्ट कर दिया तो अब श्रेयस अपनी जगह पक्की कर चुके हैं। अब सवाल ये उठता है रहाणे पुजारा में से कौन। देखिए मुझे तो लगता है कि अब शायद अजिंक्य रहाणे का जो पत्ता है वो काटा जाएगा अगले टेस्ट मैच के लिए, क्योंकि ये पत्ता बहुत समय से ड्यू था कटने के लिए। जिस तरीके का उनका फॉर्म पिछले का अगर मैं 2021 की बात करूं उसमें रहा है तो ये बिल्कुल बहुत लंबे समय से ड्यू चल रहा था कि उनका पत्ता कटना ही था, बस ये क्लिक करना था कि कोई एक नया खिलाड़ी आए वो अच्छी पारी खेले अपनी जगह पक्की करे और उसके बाद अजिंक्य रहाणे को आप थैंक यू बोलें, और थैंक यू बोलना भी चाहिए। अजिंक्य रहाणे उपकप्तान है इस इंडियन टेस्ट टीम के, इस मैच पे कप्तानी भी कर रहे हैं लेकिन वो कप्तानों वाली बात उनमें नज़र आती नहीं है। मतलब जब मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनसे पूछा कि आपको अपने फॉर्म को लेकर कंसर्न है कि नहीं, तो उन्होंने कहा नहीं मैं तो चिंतित नहीं रहता हूँ, मेरा तो काम है टीम के लिए रन बनाना। तो क्या 35 रन बनाना टीम के लिए काम है? मुझे तो नहीं लगता। ये अजिंक्य रहाणे कुछ अच्छा कर पा रहे हैं 2021 में, उससे पहले भी इंडियन क्रिकेट टीम के लिए। तो अब नंबर 5 पर श्रेयस अय्यर ने अपनी जगह काफ़ी हद तक पक्की कर ली है। अब ऐसा ना हो कि जो आपने पहले करुण नायर के साथ किया कि करुण नायर ने 13 शतक बनाया, अजिंक्य रहाणे फिट हुए तो उनको आप वापस ले आए, करुण नायर को पूरी तरीके से भूल गए। अब श्रेयस अय्यर के साथ कम से कम इस टीम मैनेजमेंट को ये नहीं करना चाहिए। अब आपको एक हार्श डिसीजन लेना ही होगा कि अजिंक्य रहाणे को भेजिए कि जाइए डोमेस्टिक क्रिकेट के लिए, अपने रन बनाइए, फॉर्म में लौटिए, जिसके बाद एटलीस्ट मतलब कब तक अजिंक्य रहाणे को एक इंडियन क्रिकेट टीम धोती रहेगी? वो रन नहीं बना रहे हैं, लंबे समय से रन नहीं बना रहे हैं, आईपीएल में भी उनको नहीं खिलाया जाता। ये ज़रूर है कि सईद मुश्ताक अली ट्रॉफी में उन्होंने कुछ रन बनाए थे, लेकिन हाँ अब मेरे हिसाब से अजिंक्य रहाणे एक इंडियन क्रिकेट टीम पर काफ़ी हद तक एक लाइबिलिटी बनते जा रहे हैं। और साथ ही अगर मैं बात करूँ इंडियन टीम ने जो अपनी पहली पारी में 345 रन बनाए, 345 रन बनाने के बाद इंडियन टीम ऑल आउट हो गई है। तो श्रेयस अय्यर का शतक, उसके बाद इंडियन टीम 345 पर ऑल आउट। आप ज़रूर एक्सपेक्ट कर रहे थे कि इंडियन टीम यहाँ से जरूर 400 रन बना सकती थी, एक अच्छा मौका था कि अगर आप 400 रन बना देते तो फिर आपको दोबारा बैटिंग नहीं करनी होती, आप 400 रन में ही 2 बार न्यूजीलैंड को आउट कर सकते थे। लेकिन हाँ ठीक है, अब 345 रन बनाए, लेकिन एक अच्छी चीज़ जो एंड में हमें देखने को मिली कि गेंद अब काफ़ी अच्छी तरह से टर्न होने लग गई। जिस गेंद पर एजाज पटेल अश्विन को बोल मारा वो गेंद काफ़ी ज़्यादा टर्न हुई थी, जो इंडियन स्पिनर्स हैं उनके लिए एक बहुत ही खुशी की बात है कि हाँ गेंद अब टर्न होने लग गई और अब यहाँ से इंडियन टीम ज़रूर धमाका करेगी। एक शानदार
अगर मैं बात करूं आज पहला इंडियन टीम जब दिन का खेल खत्म होगा तो आप ये मान के चलिए न्यूजीलैंड के भी 4 से 5 बल्लेबाज ज़रूर आप आउट कर देंगे। तो श्रेयस अय्यर का शतक आया, इंडियन टीम ऑल आउट हो चुकी है। बस अब ये देखना है कि इंडियन टीम जो टेस्ट मैच है तीसरे दिन जीतती है या चौथे दिन, लेकिन ये गारंटी है कि श्रेयस अय्यर अगला टेस्ट मैच ज़रूर खेलेंगे। अब अजिंक्य रहाणे चेतेश्वर पुजारा में से किसी को बाहर होना होगा, अब वो बाहर कौन होता है ये इंडियन टीम मैनेजमेंट कॉल ले, लेकिन 5 नंबर पर तो मेरे हिसाब से अजिंक्य रहाणे को ही बाहर होना पड़ेगा।